डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस का ये छठवां वीडियो है और आइए शुरू करें हम एग्जांपल्स का सिलसिला। एग्जांपल्स का ये पहला वीडियो है और पहला एग्जांपल, अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ फोर डायगनल्स ऑफ ए क्यूब, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। फिगर हमने बना दिया है क्यूब का। क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बोले तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें सब बराबर होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यूबॉइड को रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड भी बोलते हैं, ठीक। तो हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको ए मान लिया है। एक्स एक्सिस का एक कॉर्नर है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए जीरो जीरो, वाई एक्सिस पे जीरो ए जीरो, जेड एक्सिस पे जीरो जीरो ए। पिछले वीडियो में ये सब आपको हम समझाए ही थे। और ये हवा में पॉइंट है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए ए ए। इससे वाई जेड प्लेन पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे उसके फूट का कोऑर्डिनेट जीरो ए ए होगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन में पड़ने के कारण उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, बकिया और सब नहीं बदलेंगे। इसी प्रकार से जेड एक्स प्लेन पे हम परपेंडिकुलर डालें तो जेड एक्स प्लेन पे क्या नष्ट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, बकिया दोनों ए रहेगा। फिर यहाँ से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर डालें तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, बकिया सब रहेगा। तो इसके चार डायगोनल्स कौन कौन से हैं, फोर डायगोनल्स ऑफ क्यूब आर। एक होगा ओपी, फिर सी एन, एक जोड़ा ये हो गया, फिर ए एल और बी एम। यहां लिख दीजिए सी फिगर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, पी के कोऑर्डिनेट में से ओ का कोऑर्डिनेट घटा दें। डी आर साहब ज्वाइन अप टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू आर एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। ये सब आपको हम बता चुके हैं, क्या हो जाएगा बताएं, ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो, यानी ए ए ए। डी आर ऑफ सी एन, एन के कोऑर्डिनेट में से सी के कोऑर्डिनेट को घटाइए, एन में से सी को घटाना है तो आएगा ए ए माइनस ए ए ए माइनस ए। डी आर ऑफ ए एल, एल के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को घटाइए, इसमें से घटाना है इसको, माइनस ए ए ए। डी आर ऑफ बी एम, एम में से बी को घटाइए, एम कहाँ है भाई, ये इसमें से बी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस जीरो जीरो माइनस ए ए माइनस जीरो ए माइनस ए ए। अब इन्हें डीसीज में चलो बदल लिया जाए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी, इन तीनों में डिवीजन करना है, भाग देना है किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, यानी अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर से, यानी अंडर ए रूट थ्री से। इन सभी को ए रूट थ्री से डिवाइड करना है, इस केस में भी इस केस में भी इस केस में भी। तो जब ए को ए रूट थ्री से डिवाइड करोगे तो वन बाई रूट थ्री आएगा, समझ रहे हो ना, वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री। डीसीज ऑफ सी एन, वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री। डीसीज ऑफ ए एल, माइनस वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री। डीसीज ऑफ बी एम, वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री। ये
अब एक लाइन है जो इन चारों डीसीज के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है, किसी के साथ अल्फा, किसी के साथ बीटा, किसी के साथ गामा, जो बच गया उसके साथ डेल्टा। तो किसके साथ अल्फा एंगल बनाती है, कैसे तय होगा? तय ही नहीं होगा। इसका एक सुगम उपाय है कि जिस क्रम से ये एंगल लिखा है उसी क्रम से इसको असाइन कर दो। फिगर का काम समाप्त हो चुका है, इसको मिटा दे रहा। लेट कैपिटल एल बी अ लाइन विथ डीसीज एल एम एन लेट दिस लाइन कैपिटल एल मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ ओपी कामा सी एन कामा ए एल कामा बी एम रेस्पेक्टिवली देन कॉस थीटा इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू वाले फार्मूले से कॉस अल्फा बराबर कितना होगा L इंटू वन बाई रूट थ्री प्लस एम इंटू वन बाई रूट थ्री प्लस एन इंटू वन बाई रूट थ्री, यानी कि L प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री। कॉस बीटा इज इक्वल टू L इंटू वन बाई रूट थ्री प्लस एम इंटू वन बाई रूट थ्री माइनस एन इंटू वन बाई रूट थ्री, यानी कि L प्लस एम माइनस एन अपॉन रूट थ्री। इसी प्रकार से कॉस गामा माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री और कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ये एल माइनस एम, एल माइनस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री। इन सभी को स्क्वायर करके जोड़ देना है बस। नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन बाई थ्री कॉमन ले लें, सभी में आएगा ना नीचे थ्री। एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर प्लस एल प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर प्लस माइनस एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर प्लस L माइनस एम प्लस एन होल स्क्वायर, यही है इक्वल्स टू वन बाई थ्री इंटू पहली संख्या के स्क्वायर सभी में, चार बार L स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा फोर एल स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एन स्क्वायर। फोर कॉमन लेके ढंग से लिखिए ऐसे, फोर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल एम, इसमें आएगा टू एल एम, कॉमन ले लिए तो हो गया वन, यहाँ प्लस टू एल एम प्लस वन, यहाँ माइनस टू एल एम आएगा तो माइनस टू एल एम में से टू एल एम हटा लिए तो माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन प्लस ट्वाइस दूसरा गुणा तीसरा एम एन हटा लिए तो यहाँ आएगा वन एम एन, यहाँ निगेटिव माइनस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन और प्लस टू एल एन पहला गुणे तीसरे का दूना तो यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा माइनस वन, फिर माइनस वन, फिर वन। अब आप गौर से देख लें, ये सब ब्रैकेट तीनों जीरो हो जाएंगे, यही बचेगा और कितना आ गया फोर बाई थ्री, यही प्रूव करना था। इसमें से एक रिजल्ट हम डिड्यूस करेंगे, डिडक्शन। साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू फोर माइनस ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू फोर माइनस फोर बाई थ्री इक्वल टू एट बाई थ्री। ये सॉल्व एग्जाम्पल पहला हमने उठाया, बहुत ही बढ़िया मार्वलस। लेट अस सी द सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू। अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशंस, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशंस हैज डीसीज हैज डीसीज एल एम एन सेमीकोलन एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम एन प्लस डेल्टा एन फुल स्टॉप। प्रूव दैट द स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, प्रूव दैट द स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा बिटवीन द पोजिशंस बिटवीन टू पोजिशंस इज गिवन बाय डेल्टा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। यह है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। वेरिएबल लाइन माने अपनी स्थिति को बदलने वाली लाइन, स्थिति इस प्रकार से बदले कि एडजेसेंट पोजिशंस रहे, दो पोजिशंस में एडजेसेंट पोजिशंस रहे। लाइन की एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, एडजेसेंट पोजीशन से वही लाइन है, एक ही लाइन है। तो लेंथ बराबर रखा जाए ना, थोड़ा इसको और लंबा कर दें अब, ठीक है। इस पोजीशन में माना कि डीसीज एल एम एन है, इस पोजीशन में माना कि डिस इज दिया हुआ है ना, एल प्लस डेल्टा एल कामा एम प्लस डेल्टा एम कामा एन प्लस डेल्टा एन। दोनों के बीच में स्मॉल एंगल बनेगा, डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल बनेगा, ऐसा दिया हुआ है ना। यानी हमने क्लैरिटी के लिए दोनों पोजीशंस के बीच में काफी गैप छोड़ रखा है, एंगल बड़ा बिल्कुल सटा हुआ है, एडजेसेंट पोजीशन। स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है माने एक पोजीशन ये है तो एक पोजीशन ये है और कम, लेकिन क्लैरिटी के लिए हमने ऐसा बना रखा है, ज्योमेट्री क्लियर रहे। शुरू करते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, क्योंकि एल एम एन डीसीज हैं, ये तीनों डीसीज हैं, इसलिए इन तीनों के स्क्वायर्स का सम भी जीरो होगा। एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल्टा एम होल स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल्टा एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
प्लस ट्वाइस एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसकी वैल्यू वन होगी, ये इस वन से कैंसिल हो गया। इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। नंबर टू, नाउ कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, दोनों ही स्थितियों में डीसीज मालूम है, एक पोजीशन ये एक पोजीशन ये, पोजीशन पोजीशन ना बोल के तुम बोलो एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों के डीसीज मालूम है, दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन फार्मूला आपको मालूम ही है। कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस डेल्टा एल प्लस एम इंटू एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन इंटू एन प्लस डेल्टा एन। यही तो था ना कॉस थीटा बराबर एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। इसी को सिंप्लीफाई करना, इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन। इसकी वैल्यू वन होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी यहां से निकाले, माइनस वन बाई टू ब्रैकेट में डेल्टा एल होल स्क्वायर, अब ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे रहा है, प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर, डेल्टा एल स्क्वायर ऐसे लिख दिया हूं, इसका मतलब यही है। ठीक है भाई, समझ में अब बात आ रही है। इसे इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ, इंप्लाइज दैट वन बाई टू ब्रैकेट में डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला याद करें, वन माइनस कॉस टू थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यह जाएगा टू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई टू। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। तो इस वन पॉइंट टू को इधर कर दो तो एक साइड में ये आ जाएगा, इंप्लाइज दैट डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई टू इज इक्वल टू फोर साइन डेल्टा थीटा बाई टू होल स्क्वायर। यही तो साइन स्क्वायर होता है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, नहीं मालूम है तो मैं उसको लिख दे रहा हूं ताकि लिखित रूप में आपके सामने आ जाए। वी नो दैट इफ एक्स इज स्मॉल, मैथमेटिक्स में स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, देन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का एक्सपेंशन जब लिखोगे तो उसमें पहला टर्म एक्स आएगा, उसके आगे एक्स की बड़ी बड़ी घातें आएंगी, चूंकि एक्स स्मॉल है स्मॉल एंटिटी की बड़ी बड़ी घातें और भी स्मॉल हो जाएंगी, इसलिए उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसी कंसेप्ट का, इसी अवधारणा का यहाँ पर इस्तेमाल करें। Therefore, डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू डेल्टा थीटा बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा थीटा स्क्वायर। फोर फोर कैंसिल हो गया बेटा, यही प्रूव करना था।
एक एग्जांपल और किया जाए, एग्जाम्पल थ्री, इफ L1 M1 N1, L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3 आर डिसीज ऑफ थ्री mutually परपेंडिकुलर लाइन्स, थ्री mutually परपेंडिकुलर लाइन्स देन प्रूव दैट द लाइन हुज डीसीज आर प्रपोर्शनल टू द लाइन हुज डीसीज आर proportional to L1 plus L2 plus L3 comma M1 plus M2 plus M3 comma N1 plus N2 plus N3 makes equal angles with them, makes equal angles with them. DC is proportional to these numbers. तो इन numbers को direction numbers कहते हैं, यानी direction ratios कहते हैं. Let capital L1 comma capital L2 comma capital L3 be three lines, और ये three mutually perpendicular lines हैं, three mutually perpendicular lines with DCs L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 full stop. Then L1 square plus M1 square plus N1 square equal to 1, L2 square plus M2 square plus N2 square equals to 1, L3 square plus M3 square plus N3 square equals to 1. पहला दूसरा अगर परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0, दूसरा तीसरा परपेंडिकुलर है तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल्स टू 0, पहला तीसरा अगर परपेंडिकुलर है तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल्स टू 0. इन सभी को इकट्ठे नंबर डाल दिया 1, या इसको नंबर 1 कर दो, तीनों को, इन तीनों को नंबर 2 डाल दो. अब एक लाइन है जिसके DRs ये हैं, लेट कैपिटल L बी अ लाइन विथ DRs A L1 plus L2 plus L3 B
एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, सी एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। देखो बेटा ये दिया है, उन्हीं को हमने क्रमशः ए बी सी मान लिया है। अब एंगल निकालना है। नंबर एक, लेट थीटा वन बी द एंगल बिटवीन कैपिटल एल वन एंड कैपिटल एल, देन कॉस थीटा वन इज इक्वल टू, देखो एल वन के डी सीज दिए हैं और इसके डी आर्स दिए हैं, तो फार्मूला बहुत सावधानी से लिखिएगा। एल वन ए प्लस एम वन बी प्लस एन वन सी अपॉन अंडर रूट एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर, लिखना ही नहीं है क्योंकि वो डिसीज है, लिखोगे भी तो अंडर रूट एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट वन इक्वल्स टू वन होगा, तो अंडर रूट क्या होगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में एल वन इंटू ए एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एम वन इंटू बी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एन वन इंटू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ये आ गया इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर, ये दिख रहा आपको, प्लस एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये भी दिख रहा होगा, दिस इंटू दूसरा दिस इंटू दूसरा दिस इंटू दूसरा दिस इंटू तीसरा से आपको क्या दिख रहा है, प्लस एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री, ये रहा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू जीरो हो जाएगा, एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ये बचेगा वन अपॉन दिस। इंप्लाइज दैट कॉस थीटा वन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेट थीटा टू बी द एंगल बिटवीन कैपिटल एल टू एंड कैपिटल एल, देन कॉस थीटा टू इज इक्वल टू कैपिटल एल टू एल टू ए प्लस एम टू बी प्लस एन टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हटा लिया एल टू इंटू ए, ए माने एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एम टू इंटू बी, बी यानी कि एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एन टू इंटू सी, सी यानी कि एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पहले ब्रैकेट में एल टू एल वन माने एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिस इंटू दूसरा ऐसे लिखे सबका एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस दिस इंटू तीसरा एल टू एल थ्री प्लस एम टू एम थ्री प्लस एन टू एन थ्री, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला और ये वन हो जाएगा, तो बचेगा कितना वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी एक लाइन और है कैपिटल एल थ्री, उसके साथ भी यही ट्रीटमेंट करिए। बस पाँच छः मिनट और। लेट थीटा थ्री बी द एंगल
बिटवीन कैपिटल एल थ्री एंड कैपिटल एल देन कॉस थीटा थ्री इज इक्वल टू एल थ्री ए प्लस एम थ्री बी प्लस एन थ्री सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में एल थ्री इंटू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एम थ्री इंटू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एन थ्री इंटू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ये रहा इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री प्लस एल टू एल थ्री प्लस एम टू एम थ्री प्लस एन टू एन थ्री प्लस एल थ्री स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये वन बचेगा तो आ गया वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू कॉस थीटा थ्री तीनों की इक्वल वैल्यूज आ गई दस वी हैव कॉस थीटा वन इक्वल्स टू कॉस थीटा टू इक्वल्स टू कॉस थीटा थ्री इंप्लाइज दैट थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू थीटा थ्री हेंस द लाइन कैपिटल एल मेक्स इक्वल एंगल्स विथ द लाइन्स कैपिटल एल वन कामा कैपिटल एल टू कामा कैपिटल एल थ्री यही प्रूव करना था वीडियो को लाइक करिए चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो जरूर कर दें थैंक यू ये एग्जाम्पल्स का दौर चलता रहेगा